भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जिहड़ा BBMB उन्होंने अधिकारियों नाल भी मीटिंग हुई है, सारे नाल खड़े ने। साडे सैकटरी इरीगेशन कृष्ण कुमार जी, डिप्टी कमिश्नर रूपनगर, इस तो अलावा IG SSP सारे नाल ने। सो क्योंकि पंजाब दे विच पिछले कई दिनों तो स्थिति हड़ां दी जिहड़ी है, खास तौर पर सतलुज के नाल लगते इलाके, तो उधर सरदूलगढ़ का इलाका घग्गर के नाल लगते इलाके, उन्होंने स्थिति जिहड़ी है वो खबर दिन रात तुसी अपने कैमरे नहीं दिने। तो एक अज मीटिंग दे विच बड़ी खुशखबरी वाली गल ही मैं कहूँगा उन्हों कि मैं कहना चाहना तुहाडे जरिए सारे पंजाबियों नूं, सारे जिन्हें भी सतलुज दे ब्यास दे जां आले दुआले दे पिंडां दे लोक वसदे ने, कि भाखड़ा जिहड़ा डैम है वह बिल्कुल कंट्रोल च है और कोई खतरे वाली गल नहीं, तो ना ही कोई इस तरह दी अफवाहां दे विच आओ, क्योंकि फेक न्यूज़ ते अफवाहां बहुत चलदियां ने। अज रात नूं खोल दित्ते जाणगे फ्लड गेट, भाखड़ा डैम दे खोल दित्ते गए हन गेट, सतलुज रातों रात कर देगा मार, 900 पिंड रातों रात उजड़ जाएंगे, आने वाली है भारी तबाही। मैं तुहानू भी थोड़ी जी बेनती करदा, इस तरह के सनसनीखेज टाइटल ना दिओ, बिल्कुल कंट्रोल दे विच है भाखड़ा डैम। मेरे को फिगर पे ने कि 1680 का लैवल जिहड़ा वो जा सकता मैक्सीमम 1653 23 जुलाई तक 10 बजे तक का। सो हजे साढ़े को 26-27 फुट हैगा मार्जन। और एक होर चंगी खबर यह है कि आने वाले 4-5 दिन तक पहाड़ों पर जा इधर पंजाब दे विच कोई बारिश की जा कोई भारी मीह की संभावना नहीं है। तो यदा मतलब यह है कि जे इनटेक नहीं आऊगी तो जिहड़ा भाखड़ा डैम है जिहड़ा उधर तो कुछ भी एक तुबका भी बद नहीं छड्डा जाऊगा। मुख्यमंत्री साहब 21 सितंबर तक लास्ट जी रीफिल की जी डेट दसी जाती हैगी, क्योंकि लगातार पिछले दिनों तो 2 फुट जो करीब जो भाखड़ा डैम के पानी आ रहा है, लगता है कि महीने बाद सिचुएशन पैनिकी हो सकती या अंडर कंट्रोल ही रहेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल अंडर कंट्रोल रहेगी, हालांकि कुदरत है, कुदरत कोई जोर नहीं चलता, लिखती तो जिन्हें मर्जी कानून बना लिए असी, पर जिन्ना एक महीने च खास तौर पर रूपनगर जिले जिन्ना एक महीने च मीह पैंदा पैना चाहिए जुलाई के महीने, उन्होंने 2 दिन पै गया जी। मतलब कदे भी नहीं होया, मैंने सैकटरी साहब ने दसिया, मैंने BBMB के अधिकारी ने दसिया, कदे भी नहीं होया कि 9 फुट पानी 2 दिन च आ जाए, कुदरत है। पर कोई गल नहीं, ये डैम जिहड़े ने इन्हां करके जिहड़ा साडा बचाव भी होया, क्योंकि बहुत 2.5 लाख दे लगभग तो 2.5 लाख उस दे लगभग तो कल्ला ना जिहड़ा भाखड़ा डैम है उन्हें रोकया होया। सो सतलुज दे विच पानी जा रहा है अगे हरीके पत्तन, हरीके पत्तन तो अगे जिधर पानी का बहाव है नेचुरल है पाकिस्तान तक चले जाते हैं। नुकसान होया है जी, क्योंकि नुकसान नुकसान का जायजा चल रहा है, क्योंकि हजे फ्लड जारी ने, हजे पानी लोगों के घर चुना खेतों चु निकलिया। सो पहले ही असी कोई एवं अंदाजा ला के गल दस दिए, पर हाँ इन्ना कह के 1000 करोड़ तो उपर, क्योंकि नुकसान दा सरकार वालों सिर्फ 208 करोड़ रुपया जारी होया, तुसी समझदे हो भी पंजाब नाल तक्का तां नहीं कर रहा? नहीं नहीं, असी लिख के देवांगे फसलों का, असी लिख के देवांगे पशुओं का, ठीक है, असी लिख के देवांगे सड़कों का, असी लिख के देवांगे घरों का, जिहड़े घर टह गए सारा कुछ असी वेरवे बना के पूरा प्रोपरली असी होमवर्क करके असी केंद्र नूं लिख के देवांगे कि आ पंजाब का नुकसान होया, सानूं इन्ने पैसे चाहिए ने, और पारदर्श तरीके नाल वो पैसे बने। टीम्स ने चाहे प्रशासन की गल की जाए, थोड़ी पार्टी की जो टीम्स ने उन्होंने भी बहुत वधिया काम किया नो डाउट, पर स्थाई हल जिहड़ा यह कहा जा रहा है कि हिमाचल की तर्ज के उपर सवा नदी तो सतलुज में चैनलाइज किया जाए, ऐसा कोई प्रोजेक्ट आने वाले? देखो आने वाले दिन देखो पिछ जे आप हम ऐस अज तो 20 दिन पिछले चले जाइए तो वीडियो आ रही सी कि 40 साल बाद पानी आया जी साढ़े खेतों कस्सियां सूए च, वो ताइयों आया ना जो कस्सिया सूए असी साफ कर ले, कई पार्टियां विरोधी पार्टियां कहने कस्सिया सूए पहला साफ नहीं करे, उन्होंने तो कस्सिया सूए देखे ही नहीं सी कि है कितने ने, वह सिर्फ सिंचाई के नाते घपले करते रहे, सिर्फ नहरों के नाते घपले करते रहे, सिंचाई घपले का बहुत व्डा घपला पंजाब पता है ना, जहाँ चल रही है
सो वह तो कृपा करके ना बोलने अज के मौके पर ना बोलने राजनीतिकरण एक मिनट मैं जवाब दे लैन। असी आने वाले दिनों के जोड़े बरसाती नदियाँ ज एस्केप रूट ने पुराने वो सारे बंद हुए पे ने वो भी सानू पता लगे इस बार कुछ कुदरती बहा पानी का जोड़ा वो कुछ सड़क भी उच्चिया चकती किसी ने घर उच्चे चक ले है ना तो सड़क उच्च चकिया गई साइफन छोटे रह गए तो वो करके भी सानू बहुत जगह पर पता लगे कि पहली बार उन्होंने पिंड हड़ आया क्योंकि उत्थे सड़क के थले जे भड़ोलियाँ दबिया वो नहीं उन्होंने पानी खिंच सकियाँ पर कुदरती बहा पानी का जोड़ा उन्होंने नहीं तोड़न दिता जाऊगा तो आने वाले दिनों असं यही प्लैनिंग लगे हैं कि अगले साल सानू यही जी स्थिति का सामना ना करना। सवाल मेरा यह कि हिमाचल ने जो स्वान नदी है पूरा चैनलाइज करता जो किनारे से पक्के हिमाचल ने पानी रोक लिया हिमाचल में कहने कि रोक लो जी एक मिनट जी वह कहें जी साडा बीबीएमबी 7.19 हिस्सा बनता रोक लो जी जो तो असी सिसमाल रोक लो जी वो जरा कुशल्य डैम रोक लो जी सो कुदरत है जी तुसी कुदरत दे नाल खिलवाड़ नहीं कर सकते पानी ने आना है आके उन्हें पंजाब विच दी लंघना असी चैनलाइज करना पंजाब एग्रेरियन स्टेट है साढ़े कोल पानी इस्तेमाल हो जाता फसलों लई सो असी अपनी सतलुज अपना ब्यास असी अपनी नहरां असी सारिया चैनलाइज करांगे उन्हां दी बहुत साल हो गए सफाइया ही नहीं हुई किनारे जिहड़े ने वह जिहड़े कमज़ोर हो गए नवी नहर एक नवी नहर की साड़ी योजना चल रही है जी राजस्थान में जाती इधरले पास एक परले पास तो जाती है सरहद फीडर एक इधरले पास नवी नहर तो हज़ार किलोमीटर असी भड़ोलियाँ जीडिया थले पाइपा दब के खेतों तक असी नहरी पानी पहुँचाने का जोड़ा वो टीचा मिथ्या हुआ वो पूरा करा कोई उन्होंने बिच नाल लैके कोई प्रपोजल तैयार हो रही है जी क्योंकि सारे MLA सारे मंत्री साहबान सारे डिप्टी कमिश्नर सारे जिहड़े SSP साहबान सारा प्रशासकीय अमला जिहड़ा उन्होंने सख्त निर्देश ने कि अपने ऑफिस दे विच नहीं बहना लोगों के रहना जो चाहिए वो उत्थे जाके उपलब्ध कराओ कोई लड़ाई होंदी है कोई बन पिछे लड़ाई होगी जब उत्थे पुलिस प्रशासन चाहिए कि एवें कोई अणसुखावी घटना ना हो जाए सो मेरा काम है बतौर मुख्यमंत्री जाके मैं भी आया मैं भी जिहड़ा सिचेवाल साहब को मैं भी जाके आया तुस्सीबन ते जाके आया फिरोजपुर जाके आया पर मेरा काम है कि दोनों स्टेटा नाल गलबात करिए हरियाणा नाल भी हिमाचल नाल भी तो अज BBMB को आए हैं यही बेनती करना है कि पानी जिहड़ा साढ़े इलाके बहुत मर गए इस तरह के नाल तरीके नाल कंट्रोल रखियो कि कोई फ्लड गेट ना खोलने पैन वो मुख्यमंत्री तौर पर मेरा फर्ज बनता मैं निभा रहा मान साहब नंगर में आयो बहुत बहुत स्वागत सरकार तुहाडी ते हाकम वजीर बड़ी तनदेही मेहनत नाल काम कर रहे पर कितने कितने जो गल करिए नंगल का भी पहले दौरा किया भली भांति जाने नीले पानी का भी जेकर संसद किया कदों बनेगा नंगल टूरिस्ट हब देखो जी टूरिज्म डिपार्टमेंट में बहुत असं कल भी मीटिंग ली है आ एरिया खास तौर पर अगे धार हो गया अगे रणजीत सागर डैम हो गया बड़ा खूबसूरत एरिया कुदरत ने बहुत नियमता बख्शिया इस हाँ सो फिल्म सिटी की जी प्लैन है वो भी यही है तो आने वाले दिनों के नंगल मैं जिस वे पुल के थले एक रोड शो करना आया उदो भी मैं कहा कि टू हाँ जी टूरिज्म हब जी नंगल बन सकती है बड़ी खूबसूरत है कुदरत ने बहुत खूबसूरती दी है नंगल नू खास तौर पर पहाड़ी इलाका सड़ा ज भावें वो इधरों बीत का इलाका है भावें वह कंडी का एरिया है तो असी सारे नू टूरिज्म हब के तौर पर जिते बड़े बड़े वधिया वधिया होटल होन वधिया वधिया जिहड़ियां टूरिस्ट प्लेसिस होन ते पानी नाल संबंधित वो जिहड़ा वो चल रहा चमरौड़ देख के आए बहुत ही कमाल है रणजीत सागर डैम के उत्ते बहुत वधिया तरीके नाल असी हट्स बना रहे हैं एक असी हुशियारपुर दे विच फॉरैसट का जिहड़ा चौहाल है वह कल चल पिया उत्थे हट्स बनाती सो साडा मकसद ये है कि आ जिहड़ा अनटच पंजाब है जिहड़ा लोगों ने नहीं देखा पंजाब उस पंजाब नूं असी दुनिया नूं दिखाईए ताकि लोग इत्थे आउण आके इत्थे जिवें आपां कहिंदे कि इह पंजाब तां गुरुआं दी धरती है इत्थे तां सारे अमृत इत्थे छकाया गया इसे सतलुज का पानी लैके अमृत बनाया गया 13 अप्रैल 1699 गुरु गोबिंद सिंह जी वालों सो ये जिहड़ा एरिया है ये चरण छोह प्राप्त धरती है इन तां वैसे बरकत है गुरुआं दी सो इस एरिए नूं टूरिज्म दी हब बनाउणा साडा फर्ज़ भी है ते साडी ड्यूटी देखो मुआवजे जिहड़े ने उन्हां दा जदों ही साडे कोले असी डिप्टी कमिश्नर नूं लिखिया होया क्योंकि हजे डिप्टी कमिश्नर जिहड़े ने वो फील्ड च ने जदों ही सानूं पता ये लग गया
कि किन्नी झोने का नुकसान हो गया, किन्ना फसलों का होर फसलों का नुकसान हो गया, किन्ना पशुओं का, किन्ना असी उदा डाटा बना के और पनीरी भी अवेलेबल है क्योंकि बहुत सारे एरिए जिहड़ा झोना वो लेट लगता है, सो पनीरी भी अवेलेबल करावांगे। सारे अफसरां दी ड्यूटी लगी हुई है हुण। एक पासे मैं जो मैं जाना फील्ड च तो सारे डिप्टी कमिश्नर सारे अफसर जिहड़े ने मेरे आले दुआले लग जाते हैं तो फिर सारे काम रुक जाते हैं। सो मैं उन्होंने कहा कि तुसीं पहला काम कर लो, उस तो बाद आके जदों ही असी पहला आने वांगू नहीं करते इन्ने करोड़ का नुकसान हो गया जी, इन्ना मुआवजा जिन्ना होया नुकसान और